हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि सारे आर्टिकल्स के जितने सारे रूल हैं उन सभी पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट ऑकर्स नो एरर। इन सब में से पूछ रहा है कि कौन सा है जिसमें एरर है या फिर कुछ रॉन्ग है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जो पार्ट ए है एकदम रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ए मैन लिखा हुआ है, राइट, ए मैन। यहाँ पे ए मैन एक स्पेसिफिक बता रहा है, यानी कि इन द साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस हु विच या दैट। ये तीनों क्या है, लिंकिंग वर्ड्स है जो कि दो को सेंटेंस को जोड़ता है। तो मतलब यहाँ पे ये जो मैन है ये स्पेसिफिक हो गया, पार्टिकुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे ए मैन ना होकर द मैन होगा, वो आदमी जिसने, उसी तरह जैसे कि द डॉग विच, ये भी एक तरह का वर्ड है। जहाँ कहीं भी विच या वाट या क्या बोलते हैं दैट, ये सब प्रयोग होगा तो उसके नाउन के पहले हमेशा के लिए द लगेगा। तो ये हम लोगों को पता है, आर्टिकल हम लोग ये रूल पर लेते हो, पार्ट ये सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज या नो एरर। पूछा जा रहा है कि इन सब में से कौन सा पार्ट है जो गलत है। तो इसमें जो पार्ट बी है वो हम लोग का बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे द वॉर लिखा हुआ है, राइट, तो द के बदले ए वॉर का यूज होगा। ए वॉर का यूज इसलिए होगा क्योंकि द वॉर एक पार्टिकुलर चीज को, पहले ही हम लोग बता दिए थे, द वॉर हम लोग को एक निश्चित या स्पेसिफिक वॉर को बताता है, लेकिन यहाँ पे तो इट इज ओनली आफ्टर ए वॉर, एक वॉर के बाद ही पता चलता है पीपल को कि कितना खराब स्थिति हो जाता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ए वॉर होगा, और ए वॉर से क्या पता चलता है हम लोगों को कि एनी वॉर, कि कोई भी वॉर है, यहाँ पे जरूरी नहीं हो कि पार्टिकुलर वॉर होगा, क्योंकि अगर पार्टिकुलर वॉर रहता तो यहाँ पे विच या हु या कुछ भी एक ठो जो लिंकिंग वर्ड है वो रहता, तो हम लोग का पार्ट भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थ्री है हम लोग का, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर या नो एरर। इन सब में से कौन सा पार्ट है जो हम लोग का रॉन्ग है। तो इसमें जो पार्ट डी है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसलिए बता रहा रीजन, क्योंकि जो बेटर वर्ड है वो एक क्या है, कॉम्पेटिव डिग्री है, ये हम लोगों को पता है, ये एक कॉम्पेटिव डिग्री है, और कॉम्पेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव रहता है जो कि बेटर हम लोग का, उसके पहले हमेशा द का यूज होता है, ठीक है। तो और साथ ही साथ सेंटेंस अगर जब भी चॉइस या ऑप्शन बता रहा हो तो उस समय तो कॉम्पेटिव डिग्री के पहले द का यूज जरूर ही होता है, हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ और एक है, ऑफ द टू रहता है, तब ऑफ द टू जब रहेगा तो कॉम्पेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, जब भी कॉम्पेटिव डिग्री है उसके पहले द का यूज होगा, जब भी ऑफ द टू हो। तो एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, एग्जाम्पल वन, जैसे कि ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। यहाँ पे टॉलर क्या हम लोग का कॉम्पेटिव डिग्री है, और टॉलर जो कि कॉम्पेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव का कॉम्पेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग द का यूज़ किए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑफ द टू भी, ऑफ द टू जो है यूज़ किया गया इसीलिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट द पटना। जब वो पटना में था उस समय उसने बहुत सारे कुछ फ्रेंड जो है लूज कर लिया, ठीक है, दुर्भाग्यवश उसने कुछ फ्रेंड्स लूज कर लिया। तो इसमें पूछ रहा कौन सा पार्ट जो है जो रॉन्ग है, तो पार्ट सी बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि फ्यू के पहले हमेशा द का यूज होता है, क्योंकि द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड का अर्थ होता है, राइट, द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, जो भी कुछ उसने जो दोस्त बनाया है पटना में रहकर, इसका मीनिंग होगा द फ्यू फ्रेंड्स, अगर हम लोग द पुट करते हैं फ्यू के पहले तब, और अगर हम लोग सिर्फ फ्यू फ्रेंड्स बोलते हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, अगर हम लोग सिर्फ फ्यू फ्रेंड्स का यूज करते हैं तो उस समय इसका मीनिंग हो जाता है यानी कि नो फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड, इसका मतलब पटना में जितने उसने फ्रेंड बनाए इसलिए फ्यू के आगे हम लोग द का यूज करेंगे, और इसलिए हम लोग का पार्ट सी जो है रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर फाइव, देर आर नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन नो एरर। इनसे में से कौन सा पार्ट है जो हम लोग का रॉन्ग है, तो इसमें से पार्ट डी जो है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, पार्टी में बहुत सारे प्रीटी गर्ल्स हैं, बट पार्टी में बहुत सारे प्रीटी गर्ल्स थे, बट जो रागिनी है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि बहुत सुंदर होगी इसलिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो पार्ट डी है वो रॉन्ग है, क्योंकि ए के बदले
ए ना लगकर द का यूज होगा, द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होगा, क्योंकि हम लोग एक रूल इससे पहले पढ़े थे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये एक रूल था राइट। इसमें क्या था, जो ऑफ के पहले वाला नाउन है इसके वाला पहले वाले नाउन में हमेशा द का यूज होगा राइट। तो यहाँ पे क्या है, नाउन ऑफ फिर नाउन, ये नाउन ये ऑफ और ये नाउन, तो इसके पहले यानी कि द लगना चाहिए, इसलिए द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगर हम लोग नाउन ऑफ नाउन का एक एग्जाम्पल ले तो बेसिक से एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगा, द बॉयज ये रहा हम लोग का ऑफ दिस कॉलेज, ये एक पार्ट है सेंटेंस का, इसमें क्या हो रहा है, ये रहा ऑफ, ये रहा हम लोग का नाउन और ये रहा हम लोग का नाउन, तो इसके पहले क्या यूज हुआ है, द हुआ। इसी को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पर्थ नाउ द फॉलोइंग मंथ, डॉक्टर सिन्हा फॉलोइंग मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ में आएंगे विजिट करेंगे, ये मुझे इन्फॉर्म किया गया। पूछा जा रहा है इन समय से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है, इसमें कोई भी पार्ट रॉन्ग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हम लोग का यहाँ पे सही होगा, नो एरर वाला पार्ट जो एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, एकदम एज यूजुअल जैसा होना चाहिए वैसा ही स्ट्रक्चर इसका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज, हम लोग के समय के बहुत ज्यादा बेस्ट आर्टिस्ट है बट वो जो है लिस्ट रिकॉग्नाइज यानी कि उनको कम पहचानते हैं सब कोई, ओके। तो पूछा जा रहा है इन समय से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है, तो इसमें जो पार्ट डी है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि जो लिस्ट है हम लोग का इसके पहले द का यूज होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जो होता है हम लोग का, सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव रहता है, इसके एडजेक्टिव के पहले हमेशा एक ठो द का यूज होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे किए हैं। और ये सेंटेंस इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है जैसे कि लग रहा है ये सुपरलेटिव डिग्री है, यही कारण है कि यहाँ पे लिस्ट के पहले हम लोग द का यूज किए हैं, तो यानी कि हम लोग का पार्ट डी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज, उसने कहा कि वो आज नर्वस फील कर रहा है क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे एक बहुत ही खराब न्यूज यानी कि बैड न्यूज दिया था, तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है, तो इसका पार्ट डी जो है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि ए का यूज यहाँ पे नहीं होगा राइट। यहाँ पे जो न्यूज है, न्यूज के पहले ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग का न्यूज होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है राइट। न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तरह तरह का न्यूज आता है, बहुत सारा न्यूज आते हैं, तो इसलिए हम लोग का न्यूज के पहले ए का यूज ना होकर क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे द का यूज हो जाएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है न्यूज है, इसके पहले हम लोग ए या फिर एन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे राइट। द का यूज हो भी सकता है या फिर द का यूज नहीं भी करेंगे, ऐसे ही चलेगा, गिवेन हिम वेरी बैड न्यूज या फिर गिवेन हिम द वेरी बैड न्यूज राइट। अब ये इसी के हिसाब से मैंने न्यूज की तरह का ही कुछ कुछ वर्ड्स है जिसके पहले हम लोग ए या एन का यूज नहीं करते हैं। तो पहला वर्ड हम लोग का इंफॉर्मेशन, दूसरा वर्ड हम लोग का रॉन्ग हो गया लगेज, तीसरा वर्ड हम लोग का बैगेज, वन मोर वर्ड इज देयर सीनरी, और एक हो गया ड्रैपरी, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स हैं, इसके पहले या एन का यूज हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन द अदर, मुझे उन तरह के व्यक्ति पसंद नहीं है जो खुद तो कुछ नहीं करते हैं बट दूसरों में फॉल्ट खोजते हैं यानी कि गलतियाँ ढूंढते हैं, तो इसमें कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है। इसमें हम लोग का जो पार्ट बी है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि टाइप ऑफ काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ इन सब के बाद जो यूज होता है, जो कोई भी नाउन है इसके पहले सामान्यतः जो आर्टिकल होता है यानी कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे हम अगर एक एग्जांपल दे आप लोगों को तो आई होप कि आइडिया क्लियर, यहाँ पे बहुत लंबा सा सेंटेंस है इसलिए थोड़ा सा जो नहीं होता है भूल भुलैया टाइप का यहाँ पे आ जाता है, वो लोग एग्जामिनर इसी तरह का पेपर बनाते ही हैं कि वो लोग समझ ना पाए। दिस काइंड ऑफ
बुक, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर है, जब भी काइंड ऑफ रहे, जब भी सेंटेंस में काइंड ऑफ रहे तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज ना कर ले। यहाँ पर हम लोग ये ना बोल दे कि काइंड ऑफ अ बुक, काइंड ऑफ अ बुक नहीं होगा बल्कि काइंड ऑफ बुक होगा ओनली, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे दैट टाइप ऑफ मैन, नॉट ए मैन, ठीक है। ए जो यूज किया गया वो गलत है, नाउन के पहले हम लोग का आर्टिकल बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्टिक बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ द लिंग्विस्टिक्स। बोल क्या रहा है वो, अपने आप को बताता है कि मैं लिंग्विस्टिक हूँ, लेकिन रियलिटी में उसको पता ही नहीं है कि आखिर लिंग्विस्टिक का एबीसी क्या होता है, यानी कि समझ रहे हो कि लिंग्विस्टिक का बेसिक चीज क्या है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा पार्ट है जो हम लोग का रॉन्ग है, इसमें कोई भी पार्ट रॉन्ग नहीं है, यानी कि सेंटेंस जो है पूरी तरह से शुद्ध है, इसमें नो मिस्टेक्स, यानी कि पार्ट ई हम लोग का बिल्कुल ही करेक्ट है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे आर्टिकल के क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डेली अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।